यमुनानगर के कैद गांव में पहुंचे भीमराव अंबेडकर के वंशज राम रत्न अम्बेडकर। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान आज खतरे में आ गया है। उस समय बनाए गए शिक्षा का अधिकार और अन्य अधिकारों का आज हनन हो रहा है। इसके लिए हमारी संघर्ष समिति देश भर में संविधान बचाओ देश बचाओ के नाम से कार्यक्रम कर रही है। लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि जिसमें हिमाचल के पूर्व डीजीपी पृथ्वी सिंह भी मेहनत कर रहे हैं। राजरत्न ने कहा कि आज सरकार एससी एसटी और माइनॉरिटी के लोगों को सुविधाएं देने में नाकाम हो रही है। पिछड़े वर्ग पर अत्याचार हो रहे हैं, इन्हें न्याय से वंचित किया जा रहा है। कानून बनाकर इन्हीं के अधिकारों को छीना जा रहा है। आज इनके अधिकारों के साथ साथ देश में सबके अधिकार सुरक्षित हों, इसके लिए संघर्ष समिति देश भर में एक कार्यक्रम कर रही है। अभी ये मुहिम हरियाणा पंजाब में चलाई जा रही है। अभी 3-4 दिन से लगातार यूपी हरियाणा में कार्यक्रम चल रहा है और संविधान बचाओ देश बचाओ के माध्यम से लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता निर्माण करना, संविधान किस तरह से खतरे में आ गया है, किस तरह से एक एक कानून बनाकर संविधान में जो हम लोगों के अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सुरक्षित कर रखे हैं, वो किस तरह से एक एक कानून बनाकर, जैसे नीट का कानून हो, जैसे आरटीई के कानून हो, अलग अलग कानून बनाकर जैसे हमारे शिक्षा के का अधिकार इस देश से कैसे खत्म हो रहा है, ये लोगों को समझाने का काम संविधान बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, जिसमें डीजीपी साहब भी बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय तौर से काम कर रहे हैं। वो भी खुद बता रहे हैं कि इस देश की कानून व्यवस्था एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, माइनॉरिटीज के लोगों को न्याय देने में कितनी जो नाकामयाब हुई है और कितना कन्विक्शन रेट आज इनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है कि किस तरह से न्याय व्यवस्था हम लोगों को न्याय से वंचित कर रही है, ये सारा काम ये सारा मामला लोगों तक ले जाकर उन लोगों को जैसे कानून बनाकर हमारे अधिकार छीन रहे हैं, उसी तरह से इस देश के लोगों को उनके अधिकार सुरक्षित रहे, इसलिए इस देश में ऐसे कानून बनाने के लिए लोगों को हम लोग तैयार कर रहे हैं जिसके हमारे अधिकार बचे रहे, लोगों को शिक्षा का अधिकार मिले, इस देश में अच्छी आरोग्य की व्यवस्था मिले, ये बताने के लिए हम लोग संविधान बचाओ देश बचाओ के माध्यम से लोगों में जा रहे हैं और पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज और इंटरेस्टिंग कॉमेडी और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल नेशनल बस और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। कीप लाइकिंग।